गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए पहले हम क्विकली पोजीशन मार्केट के अंदर बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आज मेरे पास कम है, 800 क्वांटिटी मार्केट के अंदर बाय करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में एंट्री लेते हैं, 800 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करेंगे। उसके बाद अपना फाइनली पुट का पोजीशन बनाएंगे, 800 क्वांटिटी यहाँ पर भी बाय करेंगे। तो अभी मार्केट के अंदर अपना 8000 के अराउंड प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाए। देखिए अपर साइड अगर हम देखें तो डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ये जो मोमेंटम किया इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे जो बार बार मार्केट को सेल कर रहे थे, जो अपनी पोजीशन कवरेज कर रहे थे, मार्केट उनको कंप्लीटली निकाल दिया। तो इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में जो भी एवरेजिंग कर रहे थे मार्केट में वो कंप्लीट निकल चुके हैं। तो अब मार्केट क्या हो चुका है, हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। तो नॉर्मल में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम है, डेफिनेटली यहाँ पे बायर बैठे हैं, थोड़े बहुत सेलर भी बैठे होंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होकर ऐसा जब मोमेंटम क्या हुआ तो वो थोड़े बहुत बैठे थे वो मार्केट में निकल चुके हैं। अब मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको मार्केट एसेलेट करने के लिए आ सकता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा ट्रेड मिस हो गया क्योंकि मैं लेट हो चुका था। अदरवाइज मैं आराम से यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आता आराम से ट्रेड बनाता तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आ सकता था। खैर कोई बात नहीं, अगर साइडवेज नहीं होता तो मार्केट के अंदर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट रख सकते हैं। और निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही सब कुछ चल रहा है मार्केट में, इसमें भी कोई स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं। यहाँ पे मोमेंटम करके ये तो कंटिन्यू भाग ही रहा था, तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा नहीं बैठ रहे, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा नेगेटिविटी में देख रहे थे, उसको मार्केट ने ये ऐसा मोमेंटम करके निकाल दिया। तो अब मार्केट में देखिए हमने क्या देखा है, कहीं ना कहीं देखिए मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता तब तो क्या होता कि कुछ दिखाने के लिए कि बायर ऊपर जा रहा है, मार्केट बायर को बिठाने के लिए मार्केट क्या कर सकता था, ऊपर जा सकता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है। रेजिस्टेंस के नीचे आते ही हमने यहाँ पे देखा कि एक कैंडल भी मार्केट ने छोड़ रखा है। जैसे ही कैंडल छोड़ा मार्केट के अंदर सेलिंग ये आना शुरू हुआ, हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। उसके बाद मार्केट के अंदर देख लेते कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम रखने वाले। अभी अपना 6000 के अराउंड लॉस चल रहा है, तो अराउंड अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे। अगर मार्केट साइडवेज नहीं होता है तो 90000 के ऊपर अपना प्रॉफिट रहने वाला है, 90000 के अराउंड अपना लॉस रहने वाला है। तो यहाँ पे अपने पोजीशन में 53000 के अराउंड प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन टारगेट अभी भी नहीं मिला हमें। मार्केट के अंदर सेलिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा मार्केट के अंदर। अगर साइडवेज नहीं होता है, कंटिन्यू गिर जाता है, फिर तो जल्दी से मिल जाएगा टारगेट। अगर साइडवेज हो जाता है या फिर अपसाइड का मोमेंटम करता है, वो दोनों ही मार्केट हमारे लिए ठीक नहीं रहने वाले। तो जस्ट यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं। ये 45200 का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे नीचे रहता है कोई तकलीफ नहीं है, यहीं से सेलिंग आ जाता है कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर 200 के ऊपर ट्रेड करता है तो उस समय में ध्यान से देखना पड़ेगा कि अपना प्रॉफिट कितना कम हो रहा है, या फिर कैंडल वगैरह कैसे बना रहा है, रिजेक्शन कैसा आया था मार्केट के अंदर, वो सब देख कर हम मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट वगैरह को मैनेज करेंगे। अभी देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर कम होता है ना, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्रेडर आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कंटिन्यू मार्केट में डाउनफॉल हो जाए, कंटिन्यू अपसाइड का चला जाए। लेकिन हाँ, जब तक आपको टारगेट अचीव ना हो तब तक आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो, साइडवेज हो, मोमेंटम वाला हो। मोमेंटम जल्दी आ जाता है, ऑप्शन बायर को जल्दी बेनिफिट उठाने का मौका मिल जाता है। अगर मोमेंटम नहीं होता है, साइडवेज हो जाता है, तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट उठाने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन बायर ऐसा नहीं कि पैसा बना नहीं सकता, पैसा बना तो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होते हैं ना ऑप्शन बायर की पैसा बनाने की, वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर की। लेकिन करंट मार्केट में ऐसा नहीं है, ऑप्शन सेलर भी इतना ही ट्रैप हो रहा है जितना ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर ट्रैप हो रहा है। ऑप्शन सेलर इसलिए ट्रैप हो जाता है क्योंकि मार्केट में अचानक से मोमेंटम आकर अपसाइड या डाउनसाइड का मार्केट उनको निकाल देता है। ऑप्शन बायर इसलिए ट्रैप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट पता नहीं कितना गिर जाएगा कितना बढ़ जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन काटता नहीं है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए लालच को ख़त्म करके एक टारगेट हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, एक लॉस डिसाइड कर लेना चाहिए, और जो भी पहले आए उसके अकॉर्डिंग निकलने की कोशिश करना चाहिए। तो अभी देखते हैं मार्केट के अंदर 42000 के अराउंड अपना चल रहा है, चलने देते हैं। और जब ये मार्केट में डाउनफॉल थोड़ा बहुत और हो जाएगा उसके बाद मैं अपना टारगेट अचीव करके मार्केट में निकल जाऊँगा। और अगर ऊपर चलना शुरू करता है तो वो मार्केट ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए किसी भी कंडीशन में। तो देखते रहते हैं, निफ्टी में तो गिरावट काफ़ी अच्छा चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत और गिर जाए ना तो बैंक निफ्टी में अपना ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है मार्केट, जस्ट वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट लेने वाले हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा सेलिंग मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो 176000 के अराउंड मार्केट के अंदर हमने बुकिंग कर लिया है। क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारा जो टारगेट ये था कि यहाँ पे अगर कोई बायर वगैरह बैठे हों तो मार्केट उनको निकाल सकता है, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब फर्दर सेलिंग हो भी सकता है और मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, दोनों ही बातें, इसलिए मुझे निकलना यहाँ पे ठीक लग रहा है। पोजीशन हमने क्यों बनाया था, क्योंकि इस मोमेंटम के कारण हमें समझ में आ रहा था कि जो बार बार मार्केट में सेल कर रहे थे, जो अपनी पोजीशन कवरेज कर रहे थे, मार्केट ने उनको कम्प्लीटली निकाल दिया। अब मार्केट में अपर साइड कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है, और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ट्रेड करता मिलता है तो मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठे इनको मार्केट टारगेट कर सकते हैं। इसलिए अपना प्लान था कि यहाँ पे हम नेगेटिव साइड में मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं।
उसके बाद हमें एक सेटअप भी मार्केट के अंदर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल भी छोड़ रखा था, ऊपर भी छोड़ रखा था, लेकिन यहाँ पे बायर के एसएल होते हैं, तो जहाँ पे एसएल मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन ज़्यादा बनता है। एक बार मैंने पहले भी बताया था और आज को आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि मार्केट में जहाँ पे एसएल मिलते हुए नजर आए उस तरफ आपको सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें बायर के एसएल मिलने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, वीक वाला कैंडल छोड़ दे तो इसका भी हमें सारा मिल गया। जैसे मार्केट नीचे जा रहा था हमने ट्रेड बनाया, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को दोबारा से क्रॉस नहीं किया, कंटिन्यू सेलिंग करके मार्केट यहाँ से नीचे को हमें मोमेंटम देकर चला गया। अब देखिए निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेलिंग चल रहा है, तो कंटिन्यू जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, ओवर अचीव टारगेट देख चुके थे, तो यहाँ पे काटना मुझे ठीक लग रहा था। 9:23 के राउंड पोजीशन बनाया था, 9:59 के राउंड हमने इस पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।